रामपुर में संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिमाचल कांग्रेस महासचिव रवि ठाकुर ने दावा किया कि हिमाचल की चारों सीटें कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि किन्नौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 दिनों तक चुनाव संबंधित टिप्स दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किन्नौर का प्रभार उन्हें दिया गया है, इसलिए सभी संगठनों के साथ मिलकर बैठक कर आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कहा कि विकास की तरफ कांग्रेस आगे लेकर जा रही थी, लेकिन वर्तमान सरकार की वजह से अब ये पीछे की ओर धकेल दिया गया है। कोई भी खास पैकेज केंद्र सरकार से वर्तमान सरकार को नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस के पास भाजपा की नाकामियों के बाद एक और मुद्दा आ गया है। जनता जानती है कि चुनाव में इसका हिसाब कैसे लिया जाएगा। बड़ा हथियार तो जो पिछले चुनाव में 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वायदे किए थे, उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो जमीन पर हिमाचल प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा हथियार तो हमारे पास ही है और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र से भाजपा हमेशा अनदेखी करती आ रही है। हवाई उड़ाने सर्दियों में लोगों को नहीं मिली, लोग खासकर बीमारी से तड़पते रहे। रोहतांग टनल को इमरजेंसी खोलने की बात भी कही गई थी, वो भी बिल्कुल बंद कर दिया गया। कृषि मंत्री इसी हलके से संबंध रखते हैं, लेकिन आलू उत्पादकों की दुर्दशा हुई है और संचार सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बहुत दुखद बात है। और जैसे कि पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर हमारे वहाँ जितने भी उड़ानें होती थी हेलीकॉप्टर्स की सर्दियों में, वो ना के मात्र हुई है। और हमारे जितने भी मरीज थे, इमरजेंसी थे, कर्मचारी अधिकारी, उन सबको बहुत ज़्यादा खमियाजा उठाना पड़ रहा है। और वहाँ के क्षेत्र जो लोग हैं उनको भी बहुत मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे आने जाने की समस्या थी, वो उनको या तो निजी हेलीकॉप्टर लेना पड़ रहा है जो कि लाखों में पड़ रहा है, या टनल से आते थे लोग तो टनल भी बंद कर दिया गया है। जबकि हमारे सांसद रामस्वरूप जी ने कहा था कि हर हफ्ते ये व्यवस्था की जाएगी और बस चलेगी टनल से, मगर वो बिल्कुल नहीं चली। टनल तो बिल्कुल ही सील कर दिया गया, जबकि पिछले 2-3 सालों में टनल से इमरजेंसीज को भेजा जाया करता था। तो उस तरफ सरकार का मैं नहीं समझता हूँ कोई भी ध्यान है। और ख़ास तौर से हमारे जो वहाँ के मंत्री हैं, हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनके पास आईटी का भी विभाग है, उनके तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमको विभाग मिले हैं उसमें उसकी तो दुर्दशा ही हो गई है सभी विभागों की। क्योंकि एग्रीकल्चर में मैं कहूँगा जैसे आलू का और सेब के जो हमारे